क्या आप जानते हैं भगवान शिव की इन बेटियों के बारे में? इनके बारे में कोई नहीं जानता। आज हम आपके लिए लेकर आए भगवान शिव की बेटियों की ये वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सनातन धर्म का सांस्कृतिक इतिहास वेदों, पुराणों, उपनिषदों और ग्रंथों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है शिव पुराण। शिव पुराण में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक पौराणिक कथा के बारे में, जिसमें कहा गया कि माता पार्वती और भगवान शिव की कार्तिकेय और गणेश के अलावा भी और संतानें थीं। उन संतानों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या है, आइए जानते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की 6 संतानों का उल्लेख मिलता है, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां। भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके कुछ पुत्र और पुत्रियां थे, जैसे कि तीसरे पुत्र का नाम है अयप्पा, जिन्हें पूरे दक्षिण भारत में लोग बड़ी आस्था के साथ पूजते हैं। उसके अलावा उनकी 3 पुत्रियां थीं, अशोक सुंदरी, ज्योति और वासुकी, जो कि अत्यधिक सुंदर थी। उनमें से एक माता पार्वती की सौतेली संतान थी। कहा जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की पहली पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किया था। चूँकि अशोक सुंदरी देवी पार्वती के अकेलेपन के शोक को खत्म करने के लिए आई थी, इसलिए उसके नाम में अशोक पड़ा और माँ पार्वती के समान सुंदर होने के कारण उसके नाम के साथ सुंदरी नाम भी जोड़ा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, तब उस समय अशोक सुंदरी भयभीत होकर नमक के बोरे में छुप गए और इसी वजह के कारण नमक के महत्व के साथ भी उसका नाम जोड़ा जाता है। गुजरात में इनकी पूजा होती है। दूसरी पुत्री है ज्योति, जिनके साथ एक कथा जुड़ी हुई है। कथा कहती है कि ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ और एक दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती के माथे से निकले तेज के कारण इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम ज्योति देवी या ज्वालामुखी माँ पड़ा। तमिलनाडु के कई मंदिरों में इनकी पूजा होती है। और तीसरी पुत्री थी वासुकी, जो कि देवी पार्वती की सौतेली संतान थी। वासुकी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ। कहा जाता है एक बार भगवान शिव का पसीना कद्रू यानी कि सांपों की देवी की प्रतिमा को छू गया, जिससे वासुकी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें शिव पुत्री कहा जाता है। इनको मनसा नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के कई मंदिरों में इनकी पूजा की जाती है। तीनों बहनें अपने भाइयों की तरह इतनी चर्चित तो नहीं, ना ही इनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में इनकी पूजा होती है। तो ये तो थी शिव जी की संतानें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।